मॉर्निंग नमस्ते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ। देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने शायद वीडियो का टाइटल देखकर ही सोचा हो कि इसे क्या देखना, ये तो हमें पता है। बट आई कैन चैलेंज यू, जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको नहीं पता, क्योंकि हिंदुस्तान की ही नहीं, मुझे लगता है कि तमाम जगहों पर जहाँ भी मुझे लोग पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, दुबई में और कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू जबान सुनने वाले लोग मौजूद हैं, और जो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क्स या CCNA पढ़ रहे हैं कहीं पर, उनका मुझे लगता है पहली क्लास का टॉपिक होता है LAN, WAN और MAN। लेकिन जो उन्हें बताया जाता है वो ये है, आपके सामने बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आधी अधूरी हकीकत है। अगर आप एक कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप CCNA सर्टिफाइड हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि LAN कब होगा, WAN कब होगा या MAN कब होगा। तमाम तरीके के नेटवर्क आपको नज़र आएंगे, आप अपनी किताबों में देखेंगे या अपने कॉलेजेस में अपने टीचर से पूछेंगे तो वो आपको तमाम तरीके के नाम बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जो PhD कर रखी होती है ना, जिन्होंने कॉलेजेस के अंदर, मुझे याद है तो एक बार हमने उनसे पूछा कि सर ये LAN कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं। देखिए, नेटवर्क कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो यहाँ जो नेटवर्क को डिफाइन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया किया गया है। इसके अलावा अगर आप कनेक्टिविटी के बेस पे करेंगे तो वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ट्रांसमिशन के बेसिस पे, तो डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली नेटवर्क को एरिया के बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है। तो लोकल एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिवाइड किया जाता है। तो हुआ क्या कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे, हमने उनसे पूछा कि सर ये कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं। तो होता है ना, PhD करके आए होते हैं नए, तो उन्हें बड़ा शौक होता है बताने का कि मैं इन्हें बताऊँ कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें पता है। तो उन्होंने तमाम तरीके के नेटवर्क गिना दिए, उन्होंने कहा कि एक पैन होता है, एक हैंग होता है, एक कैन होता है, एक LAN होता है, एक MAN होता है, और एक SAN होता है, एक WAN होता है। हम तो देख के खेल गए। हमने कहा यार इतनी सारी चीज़ें भाई, वाकई भाई मानना पड़ेगा सर को नॉलेज है। अब हमने उनसे पूछा सर ये है क्या, ज़रा बताइए, ज़रा तफसील से बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए, PAN जो होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जो आपके इर्द गिर्द होता है, आपके आस पास होता है। हैंग जो होता है वो होम एरिया नेटवर्क है, जो आपके घर का नेटवर्क है। कैन जो होता है वो कैंपस एरिया नेटवर्क है, जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेटवर्क होता है। LAN जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। MAN जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एक शहर का नेटवर्क होता है। SAN जो होता है ये मेरा ख्याल है इसका भी एक नाम था, और WAN जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो तमाम तरीके के नेटवर्क उन्होंने गिना दिए। हम भी सही बात है, हमने कहा बढ़िया बता रहे हैं, बढ़िया नॉलेज है इनको, मैंने कहा तो ऐसा होता है। तो कॉलेजेस में अब आपको जब आपने पूछा होगा या आप में से जितने लोग पढ़ चुके हैं, मैं आप अभी आप मेरा लेक्चर पूरा सुनिएगा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आप में से जितने लोग पढ़ चुके हैं उन्होंने शायद यही पढ़ा होगा, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हों, किसी भी कंट्री में रहते हों, तो मुझे लगता है उन्होंने यही लेक्चर उन्होंने डेफिनेशन पढ़ी होगी। लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो LAN इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स and the network devices connected together usually within the same building. MAN is a full form is metropolitan area network. It's a large network that usually spans several buildings in the same city. If I'm talking about WAN, so not restricted to a geographical location. तो इनके बारे में जब आपको बताया जाता है ना, तो आपको सिर्फ एक बात बता दी जाती है, आप शायद BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, MTech कर रहे हो, MCA कर रहे हो, आपको बोला जाएगा बेटा अगर एक कैंपस का नेटवर्क है या अगर एक एरिया का नेटवर्क है जो विद इन 100 मीटर या 1 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई नेटवर्क है तो बेटा उसे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक छोटे से शहर में फैल जाता है, सपोज मैं नोएडा की बात करूं, मैं मेरठ की बात करूं कि मेरठ शहर में एक नेटवर्क है, तो वो हो जाएगा बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आप कहेंगे सर ये WAN क्या होता है, तो वो बोलेंगे बेटा WAN जो होता है ना, जो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क बना हुआ है उन्हीं छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके, वो होता है WAN।
तो मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग यही है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा, या मैं कोई नया सीख के नहीं आया हूं कि मैं कुछ अलग रॉकेट साइंस बता रहा हूं, बट मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि मैं आगे आगे जो जो चीजें आपको बताऊंगा वो शायद आपका लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को समझने का नजरिया बदल देंगे, राइट? तो मैं कोशिश कर मेक श्योर कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आए कि कहानी में चल क्या रहा है और ये जनाब बताने क्या वाले हैं, क्योंकि मैं अक्सर कुछ ऐसी कुछ नई बातें लेके आता हूँ, राइट? तो मेरी क्लासेस में भी अक्सर बच्चे जो हैं वो इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि मेरी जो कहानियाँ होती हैं, मेरे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किस्से होते हैं, वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं, और फिर बच्चों को मेरी शेर व शायरी सुनने का भी मौका मिलता है मेरी क्लासेस के दरमियान, तो उन्हें उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो हालांकि मैं आपको एक गुड न्यूज़ और दे दूं कि बहुत जल्दी मैं अमेज़न वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे भी लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं। देखते हैं शुरुआत किससे करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि देखिए हम यूट्यूबर्स के लिए एक ही मोटिवेशन है और वो है आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स, आपका सब्सक्रिप्शन। YouTube से हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स से मुझे बहुत मिलती है, और मुझे बेहद खुशी होती है जब वो कमेंट्स करते हैं और बताते हैं कि सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो हमें भी हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है, तो हमें भी फिर मन करता है कि हम आपको और ज़्यादा पढ़ाएं, नई नई चीज़ें बताएं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, किससे कहानियां तो मेरे चलते रहेंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क, अब मैं आपको बताता हूं कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, राइट? लोकल एरिया नेटवर्क, तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क से आपको अब तक जो मालूम है वो ये मालूम है कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक का अगर कोई नेटवर्क है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, राइट? या फिर आपको ये मालूम है कि अगर एक नेटवर्क एक छोटे से एरिया में है या एक ऑफिस के अंदर कोई नेटवर्क है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मेरा एक कंप्यूटर मेरे घर में रखा हुआ है, राइट? और मैंने उस कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है मेरे एक दूसरे कंप्यूटर से जो कि मुंबई में रखा हुआ है, राइट? तो अगर मैं अपने इस कंप्यूटर से कोई फाइल दिल्ली से मुंबई भेजता हूँ तो वो किस तरीके का नेटवर्क होगा? क्या वो लोकल एरिया नेटवर्क है, क्या वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, या फिर वो वाइड एरिया नेटवर्क है? सोचिए आप, हो सकता है कुछ लोगों ने बोला वाइड एरिया नेटवर्क, हो सकता है कुछ लोगों ने बोला हो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या कुछ लोगों ने कहा उस सभी लैन है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, अब मैं आपको कहता हूं कि एक लैपटॉप यहां पे है और दूसरा लैपटॉप मेरे बिल्कुल बगल में रखा है, राइट? मेरे एक दोस्त हैं जो उसे चला रहे हैं, और हालांकि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं कमरे में साथ बैठ के, लेकिन हम आजकल के जरा टेक्निकल बंदे हैं तो हमने फेसबुक पे ही बात कर रहे हैं, हमारे बीच में जो बातें हैं जो गुफ्तगू है वो आजकल नहीं हो रही है, तो हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो वो फेसबुक पे कर रहे हैं, राइट? कमरे में बैठ ऐसा होता है आजकल के नौजवान जो कपल्स होते हैं उनके दरमियान भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे में जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और आ जाते हैं, बात कोई नहीं होती, राइट? अब आप कहेंगे सर पे बड़ा तजुर्बा है, तो अगर आप दो कंप्यूटर्स को एक रूम के अंदर रखते हैं और उन दोनों के दरमियान आप फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, एक कमरे के अंदर है, मैं कमरे की डायमेंशन क्या होगी, 10 मीटर 20 मीटर, इससे बड़ा नहीं होगा, उस कमरे के अंदर दो लोग आपस में चैट कर रहे हैं एक ही रूम के अंदर, राइट? तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? और अगर वही चैटिंग हो रही है, एक बंदा यहाँ बैठा है और एक बंदा अगेन मुंबई में बैठा है और हम फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, तो अब ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? आप मेरे सवालों को जरा ध्यान से सुनिए। और उससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दिल्ली से मुंबई, वहां पे मैंने कनेक्टिविटी जो की हुई है वो मैंने वायर्ड की हुई है, मैंने एक लैन केबल अपने साइड में लगाई हुई है और एक लैन केबल को मैं मुंबई तक लेकर गया हूं और वहां पे मैंने एक लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है और उन दोनों के बीच में कोई फाइल ट्रांसफर हो रही है या कोई चैटिंग हो रही है या कोई डिस्कशन हो रहा है, वो किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है लैन और वैन के बारे में, ये जो मैन की बात हो रही है ये जनाब कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जो इतनी सारी बात हमारे प्रोफेसर साहब ने की थी PhD करने के बाद, वो रिसर्च पेपर बनाने में बड़ी अच्छी लगती है, इस तरीके की नई नई चीजें बनाने में, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है,
बेफिजूल की बातें इन्हीं से जनरेट हो के आई हैं, राइट? समझ आ रहा है आपको? जैसे हम लोग हैं, हम लोग इसको मार्कर बोलते हैं, तो कोई कलम भी कहता है, कोई पेन भी कहता है, तो आप कुछ भी कह लीजिए, आपकी जबान है, ठीक है? फिर आप लॉजिक दीजिए कि जनाब ये कच्ची पेंसिल है कि पक्की पेंसिल है, ये आपके ऊपर है, राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो ही चीज़ें होती हैं, या तो लैन होता है या वैन होता है। मैन जो है वो समहाउ लैन ही है, तो आपको पहले डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा लैन और वैन के बीच में। अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी दो कंप्यूटर चाहे वो एक कमरे में रखे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली और मुंबई के बीच में रखे हुए हैं, चाहे वो मेरे घर और बगल वाले घर के बीच में रखे हुए हैं, अगर वो कम्युनिकेट करते हैं वाया इंटरनेट, अगर वो इंटरनेट पे जाके बात कर रहे हैं, भले ही वो एक कमरे के अंदर हैं, और उनसे बोला जाए कि आप चैटिंग कर रहे हैं, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, लैन का, वैन का या मैन का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। आप दोबारा मेरी बात सुन लीजिए कि अगर दो कंप्यूटर इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 मीटर की रेंज में है, वो 1 किलोमीटर की रेंज में है, वो 10 किलोमीटर की रेंज में है, या वो हिंदुस्तान और इस्लामाबाद के बीच में कहीं बात हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जांपल होगा वैन का। अब सिमिलरली अगर दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में, और उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, अब वो कैसे भी हो, वो उनका हेडेक है, उन्होंने वहां से दिल्ली से मुंबई तक कोई केबल बिछाई है, कोई इथरनेट केबल लगाई है, ट्विस्टेड केबल, ऑप्टिकल फाइबर, व्हाटएवर, उन्होंने जो कुछ लगाया है, बट अगर इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है तो वो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ये बात आप समझ लीजिए। फिर क्यों इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि एक नेटवर्क जो कि एक सिटी के बीच में, सॉरी, एक बिल्डिंग के बीच में होगा, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे? फिर क्या सारी किताबें गलत हैं? बिल्कुल गलत नहीं है, किताबों में सही लिखा है मगर उसको बताने का तरीका गलत है। किताबों ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि उनके तजुर्बे के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आप दिल्ली से मुंबई तक दो लोगों की बात कराने के लिए इतनी लंबी केबल नहीं बिछाएंगे, आप इतनी लंबी केबल दिल्ली से मुंबई तक नहीं लेके जाएंगे। उस प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर यह कहा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से एरिया का नेटवर्क होगा, 1 किलोमीटर की रेंज में, क्योंकि आप 1 किलोमीटर की केबल बिछा सकते हैं, आप 500 किलोमीटर केबल नहीं बिछा सकते, वो भी जस्ट 3-4 लोगों के लिए। उस प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर यह बताया गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड द नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर यूजुअली विद इन द सेम बिल्डिंग, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर आप इस तरीके का अप्रोच ले सकते हैं जहां पे तारों से एक दूसरे से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर एक ऑफिस दिल्ली में है और एक मुंबई में है तो उनके लिए आप तार नहीं बिछाएंगे दिल्ली से मुंबई तक, ये बात आपको समझ आ रही है। दूसरी तरफ जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो इंटरनेट है और कुछ भी नहीं है। वो चाहे एक एग्जांपल, एक इंटरव्यू में पूछा गया था, मुझे याद है, और उसका जवाब हमें कई दिनों तक नहीं मिला था और हम भी सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक इंटरव्यूअर ने एक क्लास में पूछा कि अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि आपने ये डेफिनेशन बताई है वाइड एरिया नेटवर्क होता है पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क, पूरी दुनिया का नेटवर्क, तो उस टीचर ने कहा कि आप एक काम करो, इस क्लास के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करके दिखाओ। अब बच्चा तो खेल गया, उसने कहा सर आप फेल ही कर दो जब ऐसी सवाल पूछ रहे हो। तो उसका कुछ भी, उसका सिंपल सा आंसर था कि आप यहाँ पे आप फेसबुक चलाइए और दूसरा कंप्यूटर वहां लगाइए और फेसबुक पे चैटिंग करिए, वैन हो गया, आपका वाइड एरिया नेटवर्क तैयार है क्योंकि आप इंटरनेट की हेल्प से चैटिंग कर रहे हैं। आप चाहे आपने अपना इंटरनेट आपने वाईफाई से चलाया हो, अपना इंटरनेट आपने अपने लोकल नेटवर्क से चलाया हो, उसके थ्रू आपका इंटरनेट चल रहा हो, बट आप रूम के अंदर वाइड नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर आपने दोनों बातें बता दी, ये जनाब कहाँ चले गए, इनके बारे में किताब में बड़ी सारी बातें लिखी हैं, ये है क्या? अभी तो मैं और भी बातें बताऊंगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये जनाब जो हैं, ये जनाब इन्हीं के बनाए हुए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स को जब आप बड़ा कर देते हैं या एक ही सिटी के अंदर आप 3-4 ऑफिसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं, वहां भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उसका दायरा बड़ा हो जाता है। कहा एक घर की बात, एक बिल्डिंग की बात हो रही थी, अब ऐसी 4 बिल्डिंगों की बात हो रही है जो ज्योग्राफिकली थोड़ी दूरी दूरी पर है, कोई 5 किलोमीटर दूर है, कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई 20 किलोमीटर दूर है, उनके बीच जो एक नेटवर्क क्रिएट होगा उसे आप बोलोगे मैट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन कंडीशन रिक्वायर्ड है
कंडीशंस में तीनों के बारे में अब जो आपको बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम्स में आती हैं या आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, कि तीनों में से सबसे फास्ट नेटवर्क कौन सा होगा। क्या आपका इंटरनेट फास्ट होगा जो आपको स्पीड देता है, आजकल बड़ी अच्छी स्पीड आ रही है, GBPS MBPS में स्पीड आ रही है, तो क्या वैन फास्ट होगा, मैन फास्ट होगा या लैन फास्ट होगा, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, नाम ही लोकल है, क्या कर पाएगा ये, नाम ही लोकल है इसका। ये हो रहा वाइड एरिया नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क, बड़ी स्पीड, ऐसा नहीं है, राइट। सबसे ज्यादा स्पीड होती है लैन, हाईएस्ट मैक्सिमम स्पीड, या फिर आप कह सकते हैं डेटा रेट। सबसे ज्यादा स्पीड जो इंटरनेट की आपको मिलेगी वो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर मिलेगी, और मिनिमम कहां मिलेगी आपको, मिनिमम स्पीड जो अचीव होगी वो वैन पे होगी, क्योंकि ये नेटवर्क बड़ा है। सबसे ज्यादा सिक्योर नेटवर्क कौन सा होगा, लैन होगा, मोस्ट सिक्योर नेटवर्क, क्योंकि ये आपके अप्रोच में है। आपने अगर दिल्ली से मुंबई तक दो कंप्यूटर के दरमियान एक केबल लगाई है तो उस केबल के बारे में पता है आपको, उस केबल को कोई बीच में कुछ भी करेगा तो आपको मालूम चल जाएगा, बिकॉज केबल की आप जो है एक उसको क्या बोलते हैं कि आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, राइट। आपका खुद का नेटवर्क है, आप उसको अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। बट वाइड एरिया नेटवर्क क्योंकि डिफरेंट राउटर्स से होके आता है, तमाम जगहों से होकर आता है, अगर दिल्ली से अमेरिका बात हो रही है तो मुझे नहीं पता मेरा पैकेट कहां कहां से जा रहा है, तो वो लेस सिक्योर होगा, मोर वल्नरेबल आप उसे कह सकते हैं, मोर वल्नरेबल, ये लेस वल्नरेबल होगा, यानी अटैक्स के चांसेस सबसे कम होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, और वायरस और अटैक्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, और इसका सब कुछ मिडिल मॉडरेट होगा, जो भी चीज होगी वो मॉडरेट होगी, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, और ये मिडल में, राइट। सबसे ज्यादा स्पीड आपको लोकल एरिया नेटवर्क में मिलेगी, सिक्योर सबसे ज्यादा होगा, आप इस पर सिक्योरिटी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जबकि यहां नहीं लगा सकते। लोकल एरिया नेटवर्क में राउटर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बहुत स्पेशल केसेस में आप कर सकते हैं, आप कुछ स्पेशल केसेस में, अदरवाइज राउटर का यहां कोई काम नहीं है। राउटर जनरली इस्तेमाल किए जाएंगे आपके वाइड एरिया नेटवर्क में, राउटर्स का जो यूज होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क में होगा। लोकल एरिया नेटवर्क में जो हार्डवेयर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो डिवाइस नेटवर्किंग का, वो होता है स्विच, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो राउटर और स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क आपने, मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके की केबलिंग का इस्तेमाल होगा लोकल एरिया नेटवर्क में, आप ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोएक्स इथरनेट केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन के लिए भी आप इथरनेट केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैन के लिए जनरली आप इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा तमाम तरीके की केबलिंग या फिर सैटेलाइट का इस्तेमाल भी आप वैन के लिए कर सकते हैं। सैटेलाइट आपका वैन नेटवर्क जो है आपका सैटेलाइट की हेल्प से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क आपके कैंपस के अंदर होता है और वो आप एक स्विच से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। स्विच में आप डिफरेंट डिफरेंट आप सबनेटिंग कर सकते हैं, VLAN क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों LAN, MAN और WAN का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि जब भी दो डिवाइसेस इंटरनेट पे होंगी उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप कहोगे कि वो लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसे ही दो डिवाइसेस इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट कर रही हैं, तो भले वो एक घर के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा हो, भले वो कम्युनिकेशन दिल्ली मुंबई के बीच में हो रहा हो, भले दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में हो रहा हो, भले दिल्ली और न्यूयॉर्क के बीच में हो रहा हो, वो कम्युनिकेशन जो है वो आपका वैन होगा, राइट, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा, राइट। और बहुत सारी बातें हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रही है, राइट। तो मुझे अगर कुछ याद आएगा तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट टाइम अपडेट कर दूंगा। बाकी ये एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे दिमाग में था कि बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन पता नहीं है लोगों को, क्योंकि किताबों में जो लिखा है हम एज इट इज़ उसे हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट करके बच्चों को बता देते हैं और बच्चे भी वही पढ़ के याद कर लेते हैं, राइट। तो मैं चाहता था कि आपको राइट अप्रोच मालूम हो, और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए,
और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये छोटा सा और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको कैसा लगा, राइट? बिकॉज अगर ये लेक्चर्स यूजफुल नहीं है तो फिर इस तरह के छोटे छोटे लेक्चर्स में नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट CCNA के ही लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरा वीडियो देखने के बाद बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। दुआ में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।